जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान। तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, आपके भाग्य सौभाग्य में धन संपत्ति का योग है। आज शनिवार का दिन है, 25 मार्च है। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है। चंद्रमा आपकी कुंडली में आपके भाग्य को सवार रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जहां पर पहले से राहु और शुक्र की युक्ति है। आज विषकंभ योग है, भरणी नक्षत्र 1:19 तक शुक्र का प्रभाव, उसके बाद कृतिका नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव। आज आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु शुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर हो रहा है। आपकी कुंडली का भाग्य स्थान मंगल से प्रभावित है। आपकी कुंडली का लग्न केतु का गोचर हो रहा है और पंचम भाव में शनि, छठे भाव में बृहस्पति, सूर्य बुध की युक्ति है। भरणी नक्षत्र शुक्र बड़ा प्रभावशाली होता है। भरणी नक्षत्र का शुक्र आपके जीवन में सुख देता है, बेहतर शुरुआत होती है, अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपके भाग्य का सितारा चमकता है और आपके जीवन में सफलता कामयाबी की प्राप्ति होती है। आप बड़े भाग्यशाली होते हैं, आपके जीवन का सुख है, आपके लिए अच्छे परिणाम, भाग्य का साथ और जीवन में तरक्की, क्योंकि शनि पंचम भाव में स्थित है, जिसके कारण आपके कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है, जिसके कारण सफलता का सुख मिलता है, भाग्य का साथ आप प्राप्त करते हैं। तुला राशि के जीवन में बड़ी सफलता कामयाबी का योग है, सुख सौभाग्य का योग है, क्योंकि आज भरणी नक्षत्र 1:19 तक शुक्र का प्रभाव, उसके बाद कृतिका नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव। आपके करियर यानी नौकरी व्यापार की स्थिति लगातार सुधरते जाएगी। गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ता जाएगा, बेहतर परिणाम आपके भाग्य को चमकाएगा और स्थिति आपके जीवन में बड़ी खुशी लेकर आएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र बहुत कुछ देता है। भरणी नक्षत्र आपके लिए बड़ा प्रभावशाली होता है। भरणी नक्षत्र में आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में सुख की प्राप्ति होती है और भरणी नक्षत्र में शुक्र आपको भाग्यशाली भी बनाता है। आपके अंदर दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति होती है, आप चतुर होते हैं और सदा अपने काम पर फोकस करते हैं। शुक्र के कारण जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ता है और मंगल की स्थिति आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है। मंगल भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान का मंगल आपके अंदर साहस शक्ति देता है, स्त्री से प्यार करने की इच्छा जागृत करता है। जीवन में सफलता की ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं और जीवन के सुखों का भोग करते हैं। कृतिका नक्षत्र में सूर्य जो आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है, आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति को जगाता है, जीवन का कदम तरक्की के रास्ते पर पड़ते हैं और अपने दम पर आप बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, अपने दम पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत जोशीले होते हैं, इच्छा शक्ति बड़ा मजबूत होती है, काम की गति तेज होती है और आपके जीवन में पारिवारिक जीवन बड़ा सुंदर होता है। अगर आपकी उम्र 25-33 वर्ष के आसपास है तो आपके जीवन में तेज गति से लाभ होता है, सुंदर जीवन होता है। धन के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं, धन भी कमाते हैं, सुख भी पाते हैं। शुक्र सूर्य का प्रभाव है, राहु की छाया बृहस्पति मंगल की दृष्टि है। भरणी नक्षत्र में शुक्र और कृतिका नक्षत्र में सूर्य आपके अंदर साहस इच्छा शक्ति के साथ साथ मंगल और बृहस्पति की स्थिति भी सुख फलदायी होती है। सूर्य के कारण मंगल भी आपके जीवन में आपकी परेशानी को कम करता है और चंद्रमा की स्थिति तो
आपके लिए बड़ा शुभ सौभाग्य लेकर आता है। सप्तम भाव में बैठा चंद्रमा जब लग्न को देखता है तब आपके जीवन में आपका जीवन एकदम रंगीन हो जाता है। आपका रंगीन मिजाज होता है, उत्साह उमंग होता है। आपके जीवन में शुक्र की दशा, राहु की दशा भी बड़ा लाभ देता है, यानी स्थिति आपकी सुधरती है, जीवन के उतार चढ़ाव दूर होते हैं, जीवन में प्रेम भी बढ़ता है, मनमांसी सफलता कामयाबी भी पाते हैं, धन संपत्ति भी आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी शुक्र है, द्वितीय चरण का स्वामी मंगल, तृतीय चरण का स्वामी बृहस्पति है, चतुर्थ चरण का स्वामी शनि है। तो प्रथम चरण का जो शुक्र है, जो राहु के साथ सप्तम भाव में बैठा है, जिसके साथ चंद्रमा भी है, आज लक्ष्मी पंचमी है, क्योंकि आज का दिन भरणी नक्षत्र का शुक्र और सूर्य के प्रभाव से आपके जीवन में लाभ तरक्की का योग बन रहा है, आपकी समस्याएं कम हो रही है, सौभाग्य का सितारा बुलंद है। और आज का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आपके कार्य पूरे होंगे। राहु केतु के सप्तम भाव में राहु के रहने से और केतु के लग्न में गोचर करने से आपके अंदर साहस ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण लाभ भी कमाएंगे, सुख भी पाएंगे, आपका सोया हुआ नसीब भी जागेगा, तकदीर भी आपकी बदलेगी और आपके जीवन में बड़ा लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नई संभावना, नए नए संबंध सुख देगा, समृद्धि लेकर आएगा। तृतीय चरण में बृहस्पति स्वामी है। बृहस्पति जो सूर्य और बुध के साथ बैठा है, आपके लिए बड़ा सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग बना रहा है। और शनि चतुर्थ चरण में आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठकर आपकी ताकत को बढ़ा रहा है, लाभ की स्थिति बना रहा है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 25 मार्च शनिवार का दिन है, चैत मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, विषकम योग भरणी नक्षत्र में शुक्र और कृतिका नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव है। स्थिति बेहद ही शुभ है, आपके लिए तरक्की लाभ का योग है, सुख समृद्धि का योग है, क्योंकि भरणी नक्षत्र जीवन का सुख देता है। भरणी नक्षत्र आपके भाग्य सौभाग्य को जगाता है और भरणी नक्षत्र से ही आपके लिए समृद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है, लाभ धन की प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा बुलंद हो जाता है। तो भरणी नक्षत्र हर तरह से आपके लिए शुभ होता है, आपके जीवन में समृद्धि, आपके विचार में उत्तम विचार होते हैं, कार्य में सफलता और जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं, आपको भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और आपके जीवन में स्वाभिमान भी बढ़ता है, सुख धन की भी प्राप्ति होती है। तो समय आपके लिए बड़ा लाभकारी होता है, आपके जीवन में अपार खुशी, धन समृद्धि और शुक्र के कारण सुख बढ़ता है। तो तुला राशि वालों के लिए साहस, स्वाभिमान और आपके जीवन का जो सुख है, विलासता है, सब कुछ आपको मिलता है और आप बहुत भाग्यशाली भी होते हैं और जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता भी पाते हैं, सुख भी कमाते हैं, यानी आपके लिए तरक्की, समृद्धि, लाभ धन और आपके भाग्य को बढ़ाने वाला बेहतर स्थिति है, जो आपके लिए सुख लाता है, समृद्धि लेकर आता है, आपके परिवार में खुशी देता है, यानी हर तरह से आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली है। हर तरह से आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, आपका वैवाहिक जीवन भी सुंदर होता है, आपके जीवन में धन संपत्ति, समृद्धि, यानी आज शुक्र के कारण ही आपके जीवन में लाभ धन की प्राप्ति होती है, आप सफलता प्राप्त करते हैं और आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, अपने परेशानियों को कम करना बेहद ही शुभ स्थिति, बड़े बदलाव और जीवन में तरक्की और मन में आगे बढ़ने का विश्वास पैदा होता है। तो बेहद ही शुभ समय है, बेहद ही भाग्यशाली आप हैं। राहु काल
9:24 से 10:55 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 7 होगा, तो दिन आपके लिए शुभ है, सौभाग्य लेकर आया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:33 शुक्र का प्रभाव शुभ है। उसके बाद रवि योग 6:20 के बाद सूर्य के प्रभाव में आपके कष्ट दूर होते हैं, जीवन सुंदर होता है, मन में उत्साह होता है और जल्दी से जल्दी सफलता पाने का विश्वास भी होता है। अमृतकाल 8:32 के बाद आपके जीवन में तरक्की आरंभ होती है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और अभिजीत मुहूर्त 12:03 के बाद मंगल की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता है, मन का विश्वास भी जागता है, आप सफलता हासिल करने वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण होते हैं। तो आपके लिए आज जीवन में लाभ धन का योग है, सुख संपत्ति का योग है, क्योंकि मंगल शुक्र सूर्य आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आपके जीवन में स्थिरता सौभाग्य का सुख देते हैं। आज पूर्व दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 7 होगा, तो शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में निश्चित तौर पर खुशियां बढ़ेगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके लिए तरक्की लाभ का अवसर मिलेगा और आप भाग्यशाली भी होंगे, जीवन के सुखों का भोग भी करेंगे, अच्छे काम करेंगे और आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनेगा। तो आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए दिन शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।